मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जनरली इन करंट अफेयर से जो है अप्रॉक्सीमेटली 96% क्वेश्चन इन करंट अफेयर से ही आएंगे। आप इस वीडियो तक बने रहिए। और इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो नवंबर के करंट अफेयर्स, नवंबर 2022 के करंट अफेयर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये करंट अफेयर मैगजीन जो है, अगर आपको परचेज करनी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, टीबी इंसिडेंस ऑफ इंडिया पर लैक पॉपुलेशन 2021 में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने इंसिडेंट्स है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, वो दोनों जो है टीबी को रोकने के लिए उन्होंने मुहिम चला रखी है और 2025 तक जो है टीबी को रोकना है। तो 2010 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इतना कोई खास नहीं है, आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, जो नेक्स्ट है, वो भी इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जो सात्विक सैराज और रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं, वो फर्स्ट इंडियन पेयर बने हैं। तो फर्स्ट इंडियन पेयर बने हैं टू विन अ सुपर 750 टूर्नामेंट। तो इसको अगर हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको मतलब मॉडरेट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मॉडरेट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने हैं 750 टूर्नामेंट इसमें। ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इतना खास नहीं है, आप देख सकते हैं फीफा और इसने ग्लोबल फॉर स्कूल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो ऑब्जर्व हुआ है अक्टूबर 30 को ऑब्जर्व हुआ है ये, और आप इसकी जो थीम भी देख सकते हैं, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। फोर्थ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 8th है इसमें, इंडिया की रैंक 8th है इसमें। और 2022 में जो थी, 2023 वाले में इंडिया की रैंक 8th है, 2022 में जो है इंडिया की रैंक 10th थी, और 2020 में जो है 9th थी। और ये जो है चार पैरामीटर पे होता है, ये चारों पैरामीटर आप देख सकते हैं, ग्लोबल गैस एमिशन, रिन्यूएबल और एनर्जी यूज, ये सब। तो ये जो इंपॉर्टेंट, तो हम मैं बेसिकली इस वीडियो का जो मेन मकसद ये है कि अगर आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं और ये देखते हैं, तो उसमें आप कैसे छाटेंगे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, तो किस तरह से चीज़ों को स्किप करते हैं करेंगे आप। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, इन्होंने मेज गार्डन मियावाकी फॉरेस्ट जो है गुजरात में जो है वो किया है। एंड ये थोड़ा, ये देखो मैं बोल रही थी ना कि आपके जो क्वेश्चन है इकोनॉमी के क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से ही हो जाएंगे, तो वो इस तरह से होंगे। तो एज पर द आरबीआई एक्ट, तो अगर इन केस ऑफ द फेलियर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ हाउ मेनी क्वार्टर्स, जो सेंट्रल बैंक जो है वो रिपोर्ट सेंड करेगा, तो इसका आंसर होगा 3 क्वार्टर तक। तो ये आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लगेगा ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में जो है ये जो सेंट्रल बैंक है उसने जो सेंड करी है रिपोर्ट गवर्नमेंट की, क्योंकि 3 जो ये क्वार्टर्स हैं वो फेलियर हुआ है। तो ये जो है ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लगेगा इकोनॉमी। तो वही है, जो मैं करंट अफेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है इकोनॉमी से ही आपके कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूसा नरेंद्र जो काला नमक है वो रिसेंटली जो है वैरायटी ऑफ विच क्रॉप है, तो बेसिकली ये राइस में है, जो आपका काला नमक उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश रीजन में, तो वो उससे रिलेटेड है ये पूसा काला नमक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात वेमेन के ऊपर जो सारी चीज़ें ऐसे होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अंडर 17 है 2022 में। तो स्पेन ने जो है किसको डिफीट करा है, स्पेन ने जो है कोलंबिया को डिफीट किया है। ये कुछ खास नहीं है कि इंडिया कैंप 2020 कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाटर वीक का थीम का क्या था, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एवर स्टार्टअप कंपनी, जो फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च पैड, तो ये कौन सा था, अग्निकुल, तो चेन्नई हेडक्वार्टर में है अग्निकुल, उसने फर्स्ट एवर लॉन्च पैड ऑपरेटिव एट द प्राइवेट प्लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट,
तो मगनरेगा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मगनरेगा जो है अमरजीत सिन्हा, तो अमरजीत सिन्हा जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल जैगुआर डे जो है 29 नवंबर को मनाया जाता है। आरबीआई ने 4 सिटीज में जो है सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट रखा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 सिटीज कौन सी हो गई? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, और बाकी जो एक्सटेंड होगा इन सारी सिटीज में होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन है इनकोवैक, ये कहाँ है? भारत बायोटेक में। कौन जो है 7th एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली कर रहा है? ये इतना कुछ खास नहीं है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डेंजर में है, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ब्रीफ, ये कुछ खास नहीं है। नेलगी जो है फिलिपिन से हुआ है। और वर्ल्ड सिटीज 2020 का होस्ट कौन था? वो शंघाई था, और ये इसकी थीम लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जम्मू कश्मीर है। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको चीज़ों को देखना है, किस तरह से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मुस्लिम सॉरी फर्स्ट फिश म्यूजियम जो है अरुणाचल प्रदेश में बना है। अब ये मोटो क्या है इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वाटर वीक का 2020 का? ओपन फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ओपन फॉर क्लाइमेट एक्शन जो है वो मोटिव है। ओपन फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये आपका पॉलिटी में ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट इस तरह से कि किसको क्रोनोलॉजी में लगाओ कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है NEGCL के साथ कैनरा बैंक में। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? टीबी मुक्त भारत। तो इस बार टीबी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीपा मलिक जो है वो बनी है। इंडिया ट्रेवल एग्जीबिशन, ये कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ, साइट COP19 जो है प्रपोजल किया है डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ द एनिमल सदर्न वाइट राइनो। तो सदर्न वाइट राइनो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है ये ज्योग्राफी में आ जाएगा क्वेश्चन। इंडिया सेंट अ टीम टू विच कंट्री टू असेस द पोटेंशियल ऑफ द लिथियम डिपॉजिट। तो लिथियम डिपॉजिट पूछ लिया जाए आपसे तो आपको लगेगा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो अर्जेंटीना, असेस द पोटेंशियल। ये महात्मा गांधी UN है, शक्ति पॉलिसी है, ये इंपॉर्टेंट है कि मंकी पॉक्स का नाम अब एमपॉक्स हो गया है। किसने चेंज कराया? ये WHO ने। इसमें कोई ये है कि इंडिया ने जो है CSCO जो 2023 है उसकी चेयरमैनशिप ले ली है। 2022 की जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। एंड इसमें से कोई इतना कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक्सिम बैंक, ओके, इसमें से भी कोई ऐसे कोई खास न्यूज़ नहीं है। लाडली लक्ष्मी आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की स्कीम है। एंड कि किस तरह से आपको न्यूज़ को देखना है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये हम इसमें देख रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये मस्कट ओमान है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एशिया डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो कौन होस्ट कर रहा है? कंबोडिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेशनल मिल्क डे जो है इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्जर्व पर्सनालिटी वर्गीज कुरी, और उनका जो 101st जो है बर्थडे था, और ही इज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहां बन रही है? लद्दाख के अंदर। अभी एम्बिशन ऑन द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन सी लेवल जो है ये बेसिकली ग्रुप लेड बाय द टू पोलर एंड माउंटेन कंट्री चिली एंड आयलैंड, आइसलैंड सॉरी, COP 27 में जो है ये आया था। तो आप इतने आसानी से सारे करंट अफेयर्स बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, आप कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे आपको आराम से पता चल जाएगा। देखो ये जो है आप इधर उधर की जो किताबों में चीज़ें ढूंढते रहते हो कि आर्थिकी में ये ढूंढो उसमें ये ढूंढो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं जो है ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से ही आपका सारा हो जाएगा। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, कंट्री चीपेस्ट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट, तो कंट्री की चीपेस्ट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी है? सबसे पहले इंडिया, फिर उसके बाद चाइना, इंडिया फिर उसके बाद चाइना फिर वियतनाम, ओवरऑल में जो इंडिया है 31st नंबर पे है और 31st है ओपन फॉर द बिजनेस में। और ओवरऑल बेस्ट कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, कनाडा, US, स्वीडन। तो यहाँ से ही आपकी सारी चीज़ें जो है कवर हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन एंड एसेस द एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये किसने कराया? के राधाकृष्ण की वो है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंट्री का वर्ल्ड लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ओपन हुई है। ओके, इसमें अभी कुछ ऐसा कोई खास नहीं है न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एबेक क्लस्टर जो है फर्स्ट टू बी कंप्लीटेड अंडर स्वामी प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो एबेक क्लस्टर जो है फर्स्ट है जो कन्वर्ट हुआ है स्वामी प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ये कहाँ है? मिजोरम के अंदर। तो ये फर्स्ट क्लस्टर है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिता पति जो है फर्स्ट नोटिफाइड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द विच स्टेट? तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्टेट का जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट जो है वो हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ये भी देखो, ये थोड़ा जर्नल अवेयरनेस की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल ने किसकी रिपोर्ट थी कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग करते हैं उन हमारी रैंकिंग क्यों लो है, तो इसको जो है सर्शन रीजन में जो है ये आपका दे सकता है। तो अभी जो क्रिप्टो का जो है कोलैप्स हुआ था उसके ऊपर था कि एक्सचेंज है रिसेंटली कोलैप्स ड्यू था, तो FTX जो है वो कोलैप्स हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ अभी कोई खास, इसमें इतनी कोई खास नहीं है न्यूज। मतलब इसमें यह है कि जो शॉर्ट शॉर्ट आने वाली है, मतलब इसमें से और भी न्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये जो न्यूज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट शॉर्ट ही आएंगी, तो ये शॉर्ट शॉर्ट जो है आने ही वाली है, तो इसमें से ही जो है जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चीजें देखी जाए तो यही जो है वो आएंगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, ये एक्सटेंड हुआ है 2021-22 से 2025-26 तक। अब कौन सी जो है टॉप ऑयल सप्लायर हो गया इंडिया का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप ऑयल सप्लायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो एग्रीकल्चर मिनरल डाटा वो सब मांगते रहते हैं वो यही सब है, टॉप ऑयल सप्लायर कौन हो गया है? तो रशिया है वो टॉप ऑयल सप्लायर है, रशिया 22% करता है, फिर उसके बाद इराक है 20.5%, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है टॉप ऑयल सप्लायर। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वीक ऑफ द साइंस एंड पीस जो है नवंबर में ही, 14 नवंबर, और यूएन का इनिशिएटिव है।
इसमें अभी कुछ ऐसा खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि विच सिटी होस्ट द पीएम गति शक्ति मल्टी मोडल वाटर वे समिट, तो ये वाराणसी ने करा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अटल न्यू इंडिया चैलेंज नीति आयोग, ये तो आपको पता ही होगा, एंड एग्जीक्यूटिव प्लान अर्ली मॉर्निंग। तो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है, महाराष्ट्र में है। तो सारे जो आपके ये इकोनॉमी और ये सारे क्वेश्चन है वो सारे करंट अफेयर से ही हो जाएंगे, कोई सेपरेट बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, तो यही सब तो लिखा रहता है उसमें, और होता ही क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा वृंदावन जो है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन कार्बन फ्री एमिशन 2041 तक बनाना है। ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाए जो हमारे जो अभी चीफ सीजीआई हैं वो कौन से सीजीआई बने हैं, तो ये 50th जो सीजीआई है, तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है। इनका टेन्योर कब, नवंबर 2024 तक चलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यूएसए है। इसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे तो नवंबर 19 को मनाया जाता है। ट्वेंटी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस एंड डिसआर्ममेंट किसको मिला है, तो ये प्रथम को मिला है। अब यूनानी मेडिसिन का जो रीजनल सेंटर है वो जो खुला है वो असम के अंदर खुला है। द पैराडाइज ऑफ फूड जो है वो किसने लिखी है, खालिद जावेद ने लिखी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा स्टेट है जिसने हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एज पर द हैंडबुक ऑफ द स्टैटिक ऑन इंडिया, तो ये कौन सा है, ये कर्नाटका है। हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर, तो ये कर्नाटका है। इसमें इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, अब बिम्स्टेक एग्रीकल्चर जो है वो सेकंड जो समिट है वो इंडिया के अंदर हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है कितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, तो ये 10 साल के अंदर अपडेट करना है। ये तूफान एंड तूफानी किसका मास्कॉट है, फिट इंडिया स्कूल इनिशिएटिव का। नेशनल एजुकेशन डे 2022 जो है नवंबर 11 को बनाया जाता है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसकी थीम क्या थी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है, ये 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर से जो है ये होगा, और इसका काम क्या है, रिड्यूस द यूज ऑफ द लेड मर्करी कैडमियम अमंग द अदर, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट जो है WHO ने रिलीज करी है, एंड इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस है, और जो हैदराबाद स्पेस बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट है बिकम द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसने कराया। मिशन का नाम होगा प्रारंभ, विक्रम एस, स्काई रूट हैदराबाद और प्रारंभ। अब ONGC का यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटी जो है आंध्र प्रदेश में खुलेगी। अब ग्रेन डील जो है ब्लैक सी से हुई थी, अब ब्लैक सी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसको बॉर्डर करता है, तो इस बार ब्लैक सी जो है आपके ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नेचुरोपैथी डे जो महात्मा गांधी, वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19 को होता है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये हो गया। तो जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं जो करंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का जो है फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरम वेसल कहाँ बिल्ड होगा, हाइड्रोजन फ्यूल, तो वाराणसी, तो यूपी स्पेशल के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, कोचिन शिपयार्ड इसको करेगा वाराणसी के अंदर। और एशिया इंडिया फ्रेंडशिप ईयर जो है 2022 हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब था, 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या है, ब्लेंडिंग 20% 2025 तक। ये वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक आप इसको देख सकते हैं, नवंबर 8 सब चाहे, और ये जो है प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टुगेदर। तो ये जो है प्रिवेंटिंग माइक्रो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। विच स्पोर्ट पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये मैरीकॉम मैरीकॉम हुई है, और ये है फर्स्ट इंडियन टू बी चूजन टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कमीशन। तो चेयरपर्सन ये, वाइस चेयरपर्सन कौन है, शरत कमल, और फर्स्ट इंडियन जो सिलेक्ट हुआ है टेबल टेनिस फेडरेशन में वो ITTF शरत कमल, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यानचंद भी जो इस बार है शरद कमल को मिला है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, किसने अभी इंप्लीमेंट किया है पीसा, तो पीसा किसने इंप्लीमेंट किया है, मध्य प्रदेश ने, तो इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगम कौन करेगा, वाराणसी होस्ट करेगा। G20 की थीम क्या है, प्रेसिडेंसी किसने ली, इंडिया ने ली है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और ये जो बिगनिंग होगी December 1, 2022 तक। और उदयपुर जो है फर्स्ट शेरपा मीटिंग होगी उदयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप किया है मॉडल डेट कैन सपोर्ट द 1000 स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो ये गूगल ने किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द टॉलरेंस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा ये है कि किसने, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, किस स्टेट ने जो है मोस्ट नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो ऐड करी हैं, मोस्ट नंबर ऑफ कंपनीज। तो देखो न्यू कंपनीज में जो है पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है न्यू कंपनीज में, और एक्टिव में जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, एक्टिव में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, और फिर उसके बाद दिल्ली है, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील कौन है, इंडिया है। फेरियन कैप, तो पहली ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि किस, कौन सी कंट्री रिमूव हो गई है US से फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग, तो इंडिया, इंडिया के साथ कौन कौन सी हुई है, इंडिया के साथ वाली भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको इटली वियतनाम थाईलैंड, तो ये चारों हुई हैं। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये अभी UPP उत्तर प्रदेश का ही कोई पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था वुमेन प्रेसिडेंट कौन है फर्स्ट, तो स्लोवानिया की, तो नताशा पिर्क मसार, तो ये वुमेन प्रेसिडेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो फॉर्म करी है कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UCC इन द स्टेट। अब फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो श्रीनगर में, टर्मिनल 2 जो है कैम्बर्डो का जो है वो बेंगलुरु में हुआ है, तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का फर्स्ट जो ग्रीन पोर्ट है वो हुआ है, फर्स्ट ग्रीन पोर्ट, स्टेट हैज रीच द टॉप इन द जल जीवन मिशन, तो उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद बुलंदशहर, फिर बरेली एंड मिर्जापुर इज अमंग द 4 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्विंग इन मेकिंग 25% कनेक्शन। फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द साउथ एशिया टू टॉप द CDP क्लाइमेट एक्शन लिस्ट, तो मुंबई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है पिग आयरन में इन द फर्स्ट हाफ, तो रशिया है, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर यूक्रेन। इंपोर्टर कौन है, चाइना USA एंड टर्की।
एंड फिर उसके बाद ऑयल में देखोगे तो पहले नंबर पे रशिया है, फिर उसके बाद इराक है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है। फर्टिलाइजर में जो है रशिया पहले नंबर पे है। अब इंडिया जो है इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन, विच कंट्री हैज इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये नीदरलैंड है, और नीदरलैंड जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हो गया इन प्लेस ऑफ चाइना फॉर द इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट। तो टोटल एक्सपोर्ट आप मुझे बताएंगे कि टोटल एक्सपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है वो IDFC ने लॉन्च किया है, नया सेंटर जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, और अयोध्या चित्रकूट और बेतूर जो है रामायण उसमें आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है कंडक्ट करेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट हो रही है ये, फर्स्ट ट्रायलेटरल है इंडिया तंजानिया मोजाम्बिक क्यों, तो इसमें फर्स्ट ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है। अब ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, तो भारतीय भाषा दिवस जो है दिसंबर जो है 11 को मनाया जाएगा। आपका फर्स्ट जो है ग्रीन पोर्ट शिपिंग जो है मुंबई के अंदर है। RBI ने जो है डेली वेज रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है, एग्रीकल्चर में एवरेज है 323.2, यही जो है वो आपका इकोनॉमिक डाटा है, कहीं बाहर से नहीं आता है। पुअरली पेड कौन है, पुअरली पेड पहले MP है, फिर गुजरात है, फिर UP है, हाईली पेड में केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। नॉन एग्रीकल्चर में जो है लोएस्ट MP का है, फिर गुजरात का है, फिर त्रिपुरा का है, और एवरेज जो है 326.6 है। केरला सबसे ज़्यादा है नॉन एग्रीकल्चर में, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर तमिलनाडु है एंड हरियाणा। तो ये है, तो यही है UNFPA की रिपोर्ट है कि जो वर्ल्ड है वो 8 बिलियन जो है पॉपुलेशन जो है रीच कर चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो NSO है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है सर्वे रिलीज करता है। अनएम्प्लॉयमेंट 6.6 है, आप इसको देख सकते हैं फॉर मैन, और टोटल जो है वो 7.2 है। इसमें वो ये वर्क पॉपुलेशन रेट जो है 44.5 है, और लेबर जो है वो है 47.9, तो 47.9। में अभी कोई इतना कोई खास नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की रिपोर्ट है, इंडिया जो है लार्जेस्ट यूजर ऑफ द ग्राउंड वाटर है। इंडिया सिटी जो है 40% अपना ग्राउंड वाटर करती है, और सबसे ज्यादा जो है इरिगेशन से होता है 87% फॉर द इरिगेशन, फिर डोमेस्टिक से जो है 13% है, और ओवरऑल स्टेज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन जो है 60.08% है, और जो हायर स्टेट एक्सट्रैक्शन करते हैं 100 से भी ज्यादा वो कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये अफजल खान है, ये हमने उसमें डायरेक्ट हिट में भी कराया था, अफजल खान महाराष्ट्र में, आदिल शाह डायनेस्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सॉर्ट करी थी रिपोर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो फर्स्ट सिल्वर मेडल है 11 साल के बाद जो हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन ब्लू माउंटेन जो है वो ये हुआ है, और जो सॉरी ये इंपॉर्टेंट है कि 3 नवंबर जो है पहली जो 2022 ऑनवर्ड जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ये देखना, ये बहुत ये क्वेश्चन देखना, मतलब इसके आने के चांसेस 101% है कि 3 नवंबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए। बाकी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, मथुरा और वृंदावन के लिए नेट जीरो एमिशन रखा है 2041 तक। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर IOTA D1 जो है वो इंस्टॉल हुआ है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर एक में। इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और नंबर वन इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उसमें क्वैश कर दिया था 15,000 मंथली वाला जो था, और इसमें एडिशनल 1.16 जो है परसेंट सैलरी एक्सेडिंग 15,000 जो है वो कंट्रीब्यूट करना था। अभी ये NBS का है, NBS स्कीम का है, तो NBS के अंदर जो रेशियो है वो 4:2:1 है, तो ये कब जब इम्प्लीमेंट कब से हुई थी, 2010 से।
तेलंगाना जो है क्लेम कर रहा है कंट्री की फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, फर्स्ट इंटीग्रेटेड। फुटबॉल फॉर स्कूल जो है वो मुंबई में इनिशिएटिव है, मुंबई में हुआ है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है हरित इनकम टैक्स, तो ये ग्रीनरी से ही रिलेटेड है लेकिन इनकम टैक्स से है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है कुछ ये ग्रीनरी से कर रहा है तो कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपहेल्ड किया था 10% रिजर्वेशन, इसमें जो बेंच में जो लोग थे, देखो जब अयोध्या वाला जब केस हुआ था तो उसमें जो बेंच के लोग थे वो उसका जो जजेस थे उनका पूछा गया था, तो ये देखो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, रविंद्र भट्ट, एम त्रिवेदी और जे बी परदीवाला, तो ये थे। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 था वो उसको अपहेल्ड कर दिया है। ये 9 कंट्रीज जो ऐड हुई हैं, इंडिया नहीं है इसका पार्ट, लेकिन आपके पास ये पूछा जाता है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है किसका पार्ट है, तो COP 27, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, FCCI ने अप्रूव किया हिमालय आर्क एज अ फूड एनिमल। यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5, उसमें टोटल फर्टिलिटी 2 है, 2 और रूरल में 2.1, अर्बन में 1.6। मैं इसका आपको डाटा वाले जो डाटा वाली प्लेलिस्ट में उसमें मैं इसका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपको उसको पूरा डाटा प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 8 है, 2022 में 10 थी। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो है इसको रिलीज करता है। जो शुरू की 3 पोजीशन है वो खाली हैं, तो अगर पूछा जाए कंट्री में इंडिया की क्या रैंक है तो 5 है, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया की रैंक है वो 8 है। पहले नंबर पे डेनमार्क है, स्वीडन है, चिली है, मोरक्को है, और ये जो है आपको ये दे रखा है। तो लीड इट जो है समिट वो जो इंडियन स्वीडन कर रहे हैं, और ये मालाबार एक्सरसाइज का 30th है। देखिए मुश्किल से आपको जो है 40 से 50 मिनट भी नहीं लगेंगे एक करंट अफेयर को ख़त्म करने के लिए, आराम से अगर आपने एक बार ऐसे रीडिंग ले ली 40 मिनट्स लगेंगे आप उसको, 30-40 मिनट्स उसको रिवाइज करने के लिए। तो डिजिटल रुपी होलसेल सेगमेंट जो है RBI ने रिलीज़ किया है। SBI जो है फर्स्ट पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंक बन गया है। अब ये देखिए गोकुल इन मथुरा एंड वंस फॉरगॉटन टूम्ब ऑफ द रक्षण एंड ताज बीबी आर द टू फेमस मुस्लिम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा के ये डिवोटीज हैं रक्षण एंड ताज बीबी। तो रक्षण जो है जिनका नाम सैयद इब्राहिमी है, सुफलिम मुस्लिम पोएट, अमरोहा या हरदोई में कहीं हुए थे ये, फॉलोअर ऑफ द कृष्णा। एंड ताज बीबी को क्या बोलते हैं, मुगल मीराबाई। तो ये हमने हिट सीरीज में भी किया था, यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी हिस्ट्री से लिंक करके करंट अफेयर से लिंक करके ये चीज़ें आ सकती हैं। देखो इंडिया प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन इन 2023। 2050 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.68 बिलियन हो जाएगी, चाइना की जो है 1.317 हो जाएगी, तो 2050 तक। तो ये UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का डाटा है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजिशन 61 है, US की पहली है, सिंगापुर की सेकेंड है, और आपकी स्वीडन की 3rd है, और नीदरलैंड की 4th है। इसमें जो है स्पेन कोलंबिया से जीता है मुंबई के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 7th इंडिया वाटर वीक है, जो आपका 7th इंडिया वाटर वीक है वो कहां हो रहा है, ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप जो है द लेक जो है जम्मू कश्मीर में, अब ये डॉक्टर सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है जिनको बेले के एफशोर्ड अवार्ड मिला है।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सलेटर फंड कहाँ रिलीज हुआ है? COP 27 जो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई है। फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ जो है वो फरीदाबाद के अंदर हुआ है। और नाइन्थ एशियन इंडिया समिट कहाँ है? कंबोडिया के अंदर। अब ये G20 जो है आपकी 17th वाली इंडोनेशिया में हुई थी, जिसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इंडिया जो है 18 में लेगा लिया है उसने, 16 जो है इटली में थी, 19 जो है ब्राज़ील में, 20 जो है साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए आराम से आ सकता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 था ये। ये चीजें हो गई। जैगवार डे हम देख ही चुके हैं। अब ये माउना लॉ जो है हवाई का, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, क्योंकि ये इरप्ट जो है ये फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर्स में पहली टाइम जो है ये इरप्ट हुआ है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये करंट में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। UNSC की जो प्रेजिडेंसी है वो घाना एज्यूम करेगा, और इससे पहले जो थे वो पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, ये घाना वाले की कौन कौन इंडिया के साथ आ रहे हैं, तो आपने अगर देखा होगा लास्ट ईयर जो है 2022 में क्वेश्चन आया था, तो इन कंट्रीज पर पूछा गया था, तब इसको रिप्लेस करके ये वाली कंट्रीज आ रही है। तो इसमें जो है तो फर्स्ट मुस्लिम टीचर कौन थी? फतिमा शेख। तो ये नॉर्मल आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है विल बी इंस्टॉल्ड एट जंतर मंतर एट दैट इज जिवाजी ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन मध्य प्रदेश। गुड़ी पड़वा जिसको न्यू संवत्सर जो स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने जो है एलिफेंट एडॉप्ट स्टेशन जो है उसको ओपन किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 ट्रांसजेंडर है उनको एज अ टीचर रखा है। कर्नाटका ने इनॉग्रेट किया है 600 मेगावाट का केमोंग हाइड्रो पावर स्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश। यह है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथन जो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में ये हो रहा है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु जो है फर्स्ट स्टेट बना है टू क्रिएट द रोल ऑफ द DG ऑफ द ऑडिट। इंडिया के जो फर्स्ट वोटर है श्याम शरण नेगी 106 ईयर के किन्नूर में वॉज पास्ड अवे। जो चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड लॉ कमीशन। ये जो हैं ये सब मेंबर्स हैं। तो लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये 3 साल के लिए काम करेगी। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1955 में
और फर्स्ट ब्रिटिश राज के अंदर 1934 में हुई थी बाय द एक्ट 1833 चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकाले एंड इट वॉज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। तो फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं या कमीशन विल हैव फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और रिटायर्ड या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इसको हेड करते हैं। वर्ल्ड सिटीज डे जो है 31 अक्टूबर को एंड अकॉर्डिंग टू UN 7 of every 10 पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन सिटीज। तो 10 में से 7 लोग जो हैं वो सिटीज में रहते हैं बाई 2050 में जो है ये रहने लगेंगे। स्विट्जरलैंड ने जो है नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर का वो बना दिया है। अरविंद वर्मानी जो है वो फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। इंडियन लैंग्वेज डे जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम ये है। इंटरनेशनल डे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर यूनाइट एक्टिविज्म एंड वायलेंस। तो 2023 को जो है मिलेट जो है डे डिक्लेयर किया है लेकिन अप्रूव कब किया था FAO ने 2018 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपको कहीं जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट एट द COP 27 एन अलायंस इज बैक्ड बाय UAE इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जापान स्पेन एंड श्रीलंका। इंडिया नहीं है इसका पार्ट। फर्स्ट ग्लोबल स्किल समिट तो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट है न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। MIA मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल ये सब करेंगे। ई गवर्नेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। ईट राइट स्टेशन में जो भोपाल है उसको 4-star रेटिंग मिली है। बाकी ये जो है स्टेशन आप इनको देख सकते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग जो है मुकेश अंबानी लेड इंडस्ट्रीज। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है यूनेस्को का जो है एशिया पैसिफिक फॉर कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जो है 4 विनर्स हैं। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई एंड अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन स्टेपवेल ऑफ द गोलकंडा जो हैदराबाद में। अवार्ड फॉर मैरिज दोमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना में अम्बाइकुला स्टेशन मुंबई में। ये कुछ एक्सरसाइज लिखी हुई हैं आप इनको देख सकते हैं। अब ये स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज़ है। Under-21 में मेंस हॉकी में जो है इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल मैच टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप। Under-21 दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन द सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा कि कहाँ किसको डिफीट किया था इंडिया ने। तो इंडिया वॉन द सुल्तान ऑफ जोहर कप बाई डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सात्विक सैराज और चिराग सेटी जो है उनको मिला है। अब कोलंबिया को बीट किया है स्पेन ने फीफा में और ये कहाँ हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में। जो गोल्डन बॉल मिली है उसको विकी लोपास को मिली है। गोल्डन बूट जो है लोरेंट बैंडर को मिला है। गोल्डन ग्लव जो है सोफिया फ्योरेंट को मिला है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन गवर्नमेंट ने होस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2.0। तो मॉस्कॉट क्या था न्यू इंस्पायर्ड बाय द मेघालय स्टेट एनिमल मिल मिलिट टेंडुआ। तो ये द फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था। सेकेंड एडिशन जो है वो शिलोंग मेघालय विद मणिपुर में हुआ था। जो मनिका बत्रा है और गणेशकरा सेथिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है बिकमिंग द फर्स्ट मिक्स्ड इंडियन डबल टू पेयर टू ब्रेक विद द टॉप 5 ऑफ द ITTF टेबल टेनिस रैंकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली 2023 में होस्ट करेगा। 2022 की जो है इस्तांबुल में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो थर्ड एडिशन है जो 2023 खेलो यूनिवर्सिटी गेम है वो लखनऊ में होगा। एंड लखनऊ में होगा। इफ़ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीज तो वाराणसी गौतम बुद्ध जो है वो एडिशनल इसमें होस्ट होंगे। तो फर्स्ट जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम है वो उड़ीसा में हुआ था। सेकंड जो है कर्नाटका में हुआ था।
ये है जो इंडिया इंग्लैंड ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया है बाय 5 विकेट इन आईसीसी मेंस 20 T20 वर्ल्ड कप में। एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग जो है टॉप 10 एमिनेंट सेलेक्टर हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। अदर जो 6 हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। सो स्विट्जरलैंड वुमेन टेनिस टीम जो है वॉन द बिली जीन्स किंग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग द 7-time चैंपियन। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7-time चैंपियन को डिफीट किया था। तो मनिका बत्रा जो है फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है टू विन एट द मेडल एट द ITTF ATTU एशियन कप जो बैंकॉक पे हुआ था। तो फर्स्ट इंडियन। तो स्टार ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर इन द 5 different। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा ने जो पहली बार है डेविस कप टेनिस टाइटल जो है फर्स्ट टाइम जीता है। एंड जो कनाडा है कम्पीटेड इन द डेविस कप फॉर द फर्स्ट 109 ईयर्स अगो एंड डिफीटेड 28-time चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स में, ये जो है ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कनाडा वाली। तो देखिए हमें 40 मिनट्स भी नहीं हुए हैं और हमने ये जो नवंबर का जो टॉप इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो उसको हमने ख़त्म कर लिया है। तो इस तरह से ही आपको जो है सारी चीज़ों को देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा फर्स्ट है, कौन बहुत टाइम में हो रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको देख के जो है आपको अपना करंट अफेयर जो है करना होगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।